बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि एक बहादुर व्यक्ति के लिए स्वाभिमान से रही जीवन जीने से ज्यादा शर्मनाक कुछ भी नहीं होता। बाबा साहब ने जिस स्वाभिमान की बात की थी, एक महिला उसी स्वाभिमान के लिए लड़ रही हैं। आज मैं आपको एक ऐसी महिला से मिलाने वाला हूँ जो स्वाभिमान के लिए संघर्ष के मिसाल है। मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड की चंपावत की भोजन माता सुनीता देवी की। आगे इस वीडियो में आप खुद सुनीता देवी से सुनेंगे उनके साथ हुए जातिवाद की पूरी कहानी। सुनीता खुद बताएंगी कि क्यों सवर्ण छात्रों ने उनके हाथ का बना खाना नहीं खाया और क्यों उन्होंने इसके खिलाफ बुलंद आवाज उठाई है। अंबेडकर नामा के संस्थापक और जाने माने विचारक डॉक्टर रतनलाल ने भोजन माता सुनीता देवी से खास बातचीत की। जब अंबेडकर नामा पर हमने सुनीता देवी का पूरा इंटरव्यू देखा तो हमें एक ऐसी साहसी, निडर और स्वाभिमानी महिला के बारे में पता चला जो भारत में जातीय भेदभाव के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक बन सकती है। इसलिए हम चाहते हैं कि देश दुनिया में सुनीता की ये कहानी जाए, तो पेश है आपके सामने चंपावत की भोजन माता सुनीता देवी का पूरा इंटरव्यू। तो क्या है मसला, कैसे कैसे क्या हुआ, जरा आप ही बताएं, ज्यादा बेहतर होगा। मैं पूछूंगा नहीं, आप ही को बताना है पूरी बात। नौकरी के लिए सर। तो क्या हुआ था, आप खाना बनाने गई, क्या हुआ, कैसे, पूरी कहानी जानना। हाँ, मैं खाना बनाने गई स्कूल में। पहले 25 तारीख को मीटिंग हुई थी तो मेरी नियुक्ति साइन हो गया था। दस महिलाएं थे हम, 10 महिलाओं में से मेरा जो नियम अनुसार है वो मेरा चयन किया गया। तो जो थोड़ा लोग थे उन लोगों ने विवाद उठा दिया, तो बोला हम इनका हाथ का नहीं खाएंगे। अच्छा। जो हाँ, जो जिनके वो बच्चे पढ़ते थे उन लोगों ने भी कहा हमारे बच्चे टिफिन लेके आएंगे। तो बोला नियम अनुसार चलो, जो ये सीट तो इसके लिए है कि जो विधवा है, जो मायके में लड़कियां रहती हैं, इसके लिए। हमने कहा हम अपने हक से लड़े हैं, जो SC ST में वो मतलब जो लिखा है गाइडलाइन में, तो हम उस हिसाब से हमने आवेदन किया है। हाँ, तो बोले हाँ ठीक है। फिर मेरा 25 तारीख को चयन हो गया था तो विवाद हो गई थी। फिर 6 तारीख को फिर मीटिंग रखी थी दिसंबर में। हाँ, फिर मीटिंग रखी थी, सबको सूचना दी गई कि 6 तारीख को मीटिंग है। तो सारे लोग जो थे वो लोग नहीं आए, थोड़े बहुत आए थे। और जो असली थे अध्यक्ष से BTC नंबर थी, वो उनका विवाद पहले ही चल गया था पहले ही दिन में, तो वो लोग नहीं आए कि उनको पता चल गया कि इनका चयन हो गया है करके। तो जो हम आधे लोग थे तो SC के भी थे और लोग भी थे, तो हम चले आए वहां से 25 तारीख को घर को। तो इनने आपस में मिलके क्या कहते हैं, जो नरेंद्र जोशी है वो अध्यक्ष स्कूल के, वो अपनी बहन चचेरी बहन बिमला को लगाना चाहते थे जो हाल। हाँ, तो वो उनका पाल्य पड़ता था कक्षा 11 में, तो नियमानुसार रद्द होगी कि उनका नहीं होगा। सुनीता के परिवार को जातिवादियों की ओर से धमकी भी मिल रही है। जातिवादी लोग उन्हें डरा धमका रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके सुनीता डटी हुई हैं। धमकी भी दी मेरे को, बोला हाँ तू क्या कर लेगी, तेरे पास तो चंपावत जाने के लिए भी पैसे नहीं है। मैंने कहा हाँ आपकी सोच तो अच्छी है, मेरे पास है तो नहीं चंपावत जाने के लिए पैसे, तो आप ही कह देते। हाँ सुनीता देवी आप ही जाओ भोजन बनाने के लिए, मेरे को धमकी तो दे रही हो, ऐसा बोला क्षेत्र पंचायत BTC दीपा जोशी जी है जो। हाँ, फिर क्या कहते हैं, मैंने कहा ठीक है भाई, मैं मेरे पास है चंपावत जाने के लिए पैसे तो है नहीं, आप ठीक ही कह रहे हो, मेरी स्थिति आप लोगों ने देखी है कि हमारे घर में आती हो तुम लेबरी करने, तो अपने बच्चों को पाल ली हो, ऐसा बोला मैंने। मैंने कहा ठीक है, हाँ हम उसका चयन करके आगे हैं। सर लोगों ने बोला कि जो टीचर लोग हैं उनने बोला कि हाँ बखेड़ा हो गया था, तो आपस में तुम सहमति बना के फिर रखेंगे बैठक। तो इनने बखेड़ा कर दिया कि हम हमारे बच्चे टिफिन लेके आएंगे। जो नरेंद्र जोशी है वो अध्यक्ष स्कूल के, तो उनने बोला हाँ हमारे बच्चे वंचित रहेंगे तो मैं दस्तखत नहीं करूंगा। वंचित का मैं तो ये पूछना चाहती हूँ सर, ये जानना चाहती हूँ कि वंचित का मतलब क्या होता है।
सुनीता की नियुक्ति नियमों के मुताबिक हुई है, लेकिन फिर भी उसे जातिवाद का सामना करना पड़ा। उसके बाद सवर्ण अफसरों की जांच कमेटी ने सुनीता को ही नौकरी से निकाल दिया, यानी जिसके साथ जातिवाद हुआ, जिसके साथ भेदभाव हुआ, उसे ही दंड मिला, उसे ही नौकरी से निकाल दिया। अब सुनीता की जगह एक ब्राह्मण महिला खाना बना रही है, लेकिन स्कूल के दलित बच्चों ने क्रांति का बिगुल फूंकते हुए कह दिया कि जब तुम एक दलित के हाथ का खाना नहीं खा सकते, तो फिर हम एक ब्राह्मण कुक के हाथ का खाना भी नहीं खाएंगे। ब्राह्मणवादी मीडिया अब कह रही है कि मामला निपट चुका है, अफसरों के समझाने के बाद दलित बच्चे ब्राह्मण कुक के हाथ का खाना खाने लगे हैं, लेकिन सुनीता ने इस झूठ से भी पर्दा उठा दिया। सुनीता ने कह दिया कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता, मामला निपटने की बात ही नहीं उठती। और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लाइव ही बात कर रहा हूँ, क्या मामला रफा दफा हो गया, सुलट गया? नहीं नहीं, देखो सर, ये बात है जो क्या कहते हैं, मेरे से जाति सूतक शब्द बोले गए हैं, तो 20-25 लोग आके घर से आके स्कूल में हंगामा किया, तो मेरी इज्जत तोहनी करी है, सारे देश की हुई है, मेरी नहीं हुई है, तो क्या कहते हैं, तो मामला मेरा हक नहीं मिला है, तो मामला सॉल्व कैसे हो जाएगा, आप ही सोचो। हाँ, मामला अभी सॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, मामला सॉल्व हो गया, फिर मेरे जो ड्यूटी लगी थी उसमें तैनात किया जाए मेरे को, और मैं खाना, इनके बच्चे खाना खा ले, तो मामला सॉल्व ही हुआ, नहीं तो मामला सॉल्व नहीं होगा। मैं लड़ती रहूंगी। सुनीता भी बेहद कॉन्फिडेंट महिला नजर आती हैं, जिससे पता चलता है कि वो अपने आत्मसम्मान पर कोई आंच नहीं आने देंगी। मैं चाहे फिर एफआईआर दर्ज में सरकार मेरी मदद नहीं करेगी, मेरा न्याय नहीं करेगी, जो इन लोगों ने मेरी इज्जत तोहनी की है, तो मैं जिस स्कूल विद्यालय में मैं भोजन माता 7 दिन बन के वहाँ मैंने खाना बना रखा है, चाहे इन लोगों ने खाया नहीं खाया, हमारे बच्चों ने खाया, तो मेरा कहना यही है कि अगर मेरे को सरकार न्याय ना दे तो मैं वहीं आत्महत्या कर लूंगी। मेरा कहना तो ये है, सरकार मेरे को न्याय नहीं देगी तो दिल्ली सरकार आत्महत्या की जरूरत नहीं है। आप बहादुर महिला हैं और हम लोग आपके साथ हैं, आपकी लड़ाई में साथ हैं, आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है और ये लड़ाई लड़ी जाए, और इसलिए मैं दिल्ली सरकार को लगातार फोन कर रहा हूँ। आप एक बहादुर महिला हैं और इज्जत और सम्मान की लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि लड़ना है हमें, रोटी के साथ इज्जत और सम्मान की लड़ाई, तो इसका मतलब यह है कि आप कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे और पीछे नहीं हटेंगे, तो फिर आत्महत्या की बात क्यों हुई, सरकार से लड़ लेंगे? हाँ, मैं लड़ूंगी जरूर, सरकार मैं लड़ूंगी अपने हक से लिए, हक के लिए तो मैं जरूर लड़ूंगी। सुनीता ने गांव वालों के दोगलेपन को भी बेनकाब किया। सुनीता ने बताया कि कैसे गांव के सवर्ण जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त हैं और उसे अपने षड्यंत्र में फंसाना चाहते हैं। मैं गरीब हूँ महिला, मैं गरीब घर की जरूर हूँ, मैं मतलब पीछे नहीं हटूंगी, मैं लड़ूंगी अपने हक के लिए, तो इन लोगों ने मेरे, ये कह रहे हैं जो अधिकारी लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं अपने गाँव के लोग काम आएंगे, दुख सुख में काम आएंगे, दुख सुख देखेंगे आपका। देखो सर, मैं मेरा दुख सुख देखते, एक गरीब महिला है, अपनी लेबरी, दिन भर लेबरी करके हमारे घरों में अपने बच्चों को पाल ली है, पति बेरोजगार है, हैं? ये मेरा क्या दुख सुख देखेंगे, 2-3 हजार के लिए तो इतना बखेड़ा हो रखा है, तो ये गांव वाले मेरा क्या दुख सुख देखेंगे, मैं तो ये कहना चाहती हूँ। दिल्ली सरकार ने सुनीता को दिल्ली में नौकरी देने का ऑफर दिया, लेकिन सुनीता कहती हैं कि वो उत्तराखंड की रहने वाली हैं और यहाँ उन्हें नौकरी पाने का पूरा हक है। सुनिए इस बारे में उन्होंने क्या कहा। पहले तो मैं, मेरे को यहीं दिया जाए मेरा हक, एक बात यही है, उत्तराखंड में रहने वाली हूँ तो मैं क्या कहते हैं, यही मिलना चाहिए मेरा हक ना, तब यहाँ नहीं मिले तब मिलना चाहिए, मैं तब जाऊंगी मैं बाहर को, मेरा कहना तो ये है। अच्छा, आप जिस गांव में रहती हैं, उस गांव में अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के कितने घर हैं? हमारे हैं 10 परिवार। और सवर्ण के कितने घर हैं? सवर्ण के होंगे 200-250 परिवार। तो आपको डराते धमकाते भी हैं? हाँ, डराते धमकाते भी हैं, फिर ये डराना धमकाना तो हुआ, जब इनकी मतलब वो जनता ज्यादा ठहरी
तो तभी तो ऐसा किया ठहरा कि हमारी जनता ज्यादा है, ये हमारे लिए कहां मतलब वो कहां जीतेंगे। सुनीता आत्मविश्वास से भरी हैं, भले ही वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अच्छे अच्छों को मात दे दी। सम्मान से जिंदगी जीना हर व्यक्ति का हक है और सुनीता की ये लड़ाई उसी सम्मान के लिए है। तो ये सुनो, जो जो भी है, ये लोग कहने वाले ठहरे कि हाँ इनका घर का प्रधान है, इसने बताया है, इसने भड़काया है इसको, नहीं तो ये आवेदन नहीं करती। मैंने कहा मैं अन्न खाती हूँ, घास नहीं खाती हूँ, तो मेरी स्थिति ऐसी है तो मैं करूंगी ना, जब सरकार का नियम है तो मैं करूंगी, वहां से नियम आया है तो मैं क्यों कहेंगे वो मेरे, मैंने मेरे से कहा भी नहीं। एक आउन मतलब पहली बार आवेदन हुआ, हमको पता ही नहीं चला, छह महिला थी बल उसमें, तो वो रद्द हो गया। पहली जो आवेदन किए थे महिलाओं ने वो रद्द हो गए, फिर दोबारा विज्ञप्ति निकाली, फिर तब मेरे को पता चला मेरे बच्चों द्वारा। तो प्रधान जी ने मेरे को कुछ नहीं बताया कि वहाँ आवेदन हो रहे हैं, भाभी आप भी करके आओ। मैं करके आए तो बोले हैं भाभी आपने बवाला क्यों किया, ये लोग कहाँ होने देते हैं, तुमने नहीं करना चाहिए था, जब आप लेबरी करते थे लेबरी करते। मैंने कहा हाँ आप भी ठीक कर रहे हो, तो अब बवाला हो रखा है, उनके लिए भी बवाला ये हो रखा है कि कह रहे हैं कि हाँ ये घर की है, प्रधानिनी का है, तो इनने भड़काया है कि आप ऐसा लड़ो ऐसा करो। मैं किसी के भड़काने पर नहीं आ रही हूँ, मैं अपने दम से चल रही हूँ, ये है मेरा कहना। इस वीडियो के लिए हम अंबेडकर नामा का धन्यवाद करते हैं। आपसे भी अपील है कि हमारे चैनल के साथ साथ अंबेडकर नामा को भी जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों सुनीता की कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसलिए ये जरूरी है क्योंकि सुनीता की कहानी से बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिल सकती है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो ट्विटर फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह पर जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।